अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम सऊदी अरबिया की फ़्लाइट्स के बारे में। सऊदी अरबिया फ़्लाइट्स क्यों नहीं खुल रहा है, इसका वजह क्या है? तो कुछ यूट्यूबर जो होते हैं वो इस व्यूवर्स के लिए काम करते हैं, तो लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते हैं। हमेशा आदमी सच बोलना चाहिए। तो नाज़रीन, सऊदी अरब की जो फ़्लाइट्स की बात हम कर रहे हैं कि फ़्लाइट्स क्यों नहीं खुल रहा है सऊदी अरबिया, तो मुझे लगता है कि सऊदी अरबिया जो है इनको एम्प्लॉय की कोई परवाह नहीं है। एम्प्लॉय मर जाए, एम्प्लॉय की फैमिली भूख से मर जाए, जो एक एक साल से घर पे है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश जो पिछले मार्च में आए हैं, तो वो भी अभी घर पे ही है, लेकिन फ़्लाइट का कोई शेड्यूल ही चालू नहीं हो रहा है। अगर आप बाकी अरब ममालिकों की बात करेंगे, जिसमें कुवैत है, दुबई है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, वहाँ पे तो एक तो पुराने लोग भी जा रहे हैं, दूसरे तो जो नए वीज़ा वाले हैं वो भी जा रहे हैं। तो खाली सऊदी अरेबिया की जो फ़्लाइट्स है वो बंद पड़ी है, बाकी ममालिक की पूरी पूरी फ़्लाइट्स चालू हैं, और वहाँ पे नए बंदे भी जा रहे हैं और पुराने बंदे जो छुट्टी पे आए थे वो भी जा रहे हैं, लेकिन जो सऊदी अरब से आ रहे हैं वो नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा, जो अभी सऊदी अरबिया में हैं, जो वतन वापस आना चाहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप ना आए जब तक कि ना फ़्लाइट्स बहाल हो जाएंगे। अगर आप छुट्टी पे आएंगे तो आप नहीं जा सकेंगे, फिर आपका जॉब भी चला जाएगा, आपका सब कुछ चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि इनको उतनी परवाह नहीं है, सऊदी अरब वालों को इतनी परवाह नहीं है हमारी नौकरी की। जो लोग फंसे हुए घर पे, उनको उतनी परवाह उनकी नहीं है। वो सोचते कि कहीं हमारी जो उम्र है या हज है वो ख़राब ना हो जाए, तो इस ज़माने में वो फ्लैट्स नहीं खुलने वाले हैं। उनको मालूम है कि जो हमें रेवेन्यू हज और उम्र से आता है वो हमें एम्प्लॉय से नहीं आ सकता है, इसलिए हम फ़्लाइट्स की वो कोई बात ही नहीं करते हैं, फ़्लाइट्स के बारे में कोई सोचते ही नहीं है। तो इस ज़माने में मुझे लगता है कि वो सोचते यही कि हमारी जो इकोनॉमी वो किससे ठीक हो जाएगी। उनको मालूम है हज से उम्र से हमें बहुत ज़्यादा पैसा आता है, जिस पे हमारा देश चलता है, तो इस ज़माने में वो उसी की तरफ गौर में लगे हुए हैं, गौर फिक्र करते हैं। तो जो भाई छुट्टी पे आए थे तो उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिला रहे हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले एक साल से अभी फ़्लाइट जो है वो पूरी तरीके से बंद है, हत्ता कि जो बाकी ममालिक हैं वहाँ तो फ़्लाइट चालू हो गए हैं। तो इस ज़माने में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जब सऊदी अरबिया चाहेगा तब फ़्लाइट खोल सकते हैं, उस पर कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। जब ऑफिशियल डेट आएगा तो तब हर किसी बंदे को पता चलेगा, अभी तो कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। दुबई से कोई जा रहा था, अब दुबई में भी बंद है, कोई नहीं जा सकता सऊदी अरबिया अभी। तो नाज़रीन, ये भी थी कुछ अपडेट, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करनी है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना सारा ख्याल रखें।